अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मेरे चैनल। मैं हूँ जैस्मिन। कैसे आप सब? आज मैं मटन बिरयानी, कच्ची दम बिरयानी बना रही हूँ। तो मैं गोश्त को यहाँ पे धो के रख लिया है पीसेस करके, तो इसको 40% उबाल लेंगे अभी, क्योंकि चावल में 60% पकने का है, तो इसलिए 40% से 40% उबाल लेंगे। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। इसमें थोड़ा नमक डाल के उबाल रही हूँ, सिर्फ नमक डालिएगा, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट प्याज को काट लेना है ब्रस्टा बनाने के लिए, एकदम बारीक काट लेना है इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे प्याज को एकदम बारीक स्लाइड्स में काट लिया है। प्याज बहुत खा रहे यार, आँखों में से पानी आ रहा। अब इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि पतले काटने की वजह से ना जल्दी फ्राई हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे चावल भी धोकर रख लिया है, क्योंकि चावल आधा घंटा तक तो भी भीगना चाहिए, क्योंकि चावल जितना भीगेगा उतना ही चावल खा मतलब बिरयानी अच्छा बनेगी। बिस्मिल्लाह। देखिए स्लो फ्लेम पे प्याज को, ऑनियन को फ्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि इस ब्रिस्टा से ही बिरयानी का मसाला टेस्ट और बिरयानी कैसे बनेगी, इससे ही मतलब प्याज के मसाले से ही बिरयानी अच्छी बनेगी, तो इसलिए स्लो फ्लेम पे इसको हल्के से भून लेना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा फ्लेम को हाई कर दीजिएगा, फिर थोड़ा कलर चेंज होने के बाद स्लो कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी से भुन जाएगा, फ्राई हो जाएगा प्याज। देखिए गोश्त भी 40% गल चुका है। ये पानी को भी ऐसे ही रखेंगे हम, क्योंकि बिरयानी में काम आएगा, तो इसलिए। देखिए कलर चेंज हो रहा है, तो मैं फ्लेम में रख दी, फ्लेम में रख दिया है, तब इसको स्लो फ्लेम पे ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डार्क नहीं हो जाना चाहिए प्याज, वरना कलर रहेगा बिरयानी। देखिए कलर चेंज हो गया। अब इसको निकाल लेंगे, क्योंकि तेल में पक के तेल इसमें ऑलरेडी रहता है ना, तो इसलिए। आवाज़ आ रहा आपको क्रिस्पी, ठंडा होने के बाद और क्रिस्पी हो जाएगा ये, तो इसलिए गोल्डन कलर में रहने के टाइम पे इसको निकाल देना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गर्म रहता है ना ये, तो इसलिए और भी डार्क हो जाता है निकालने के बाद, इसलिए। ये देखिए ब्रिस्टा रेडी है, इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा। आवाज़ देखिए आप, क्रिस्पी क्रिस्पी, तो इसको साइड में रख दे रही आप में। अब आप जिसमें चावल बना रहे उसमें मसाला मिला लेना है। मैं इसमें चावल बना रही तो इसमें मसाला भी रख डाल लूँगी। 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ। वन एंड हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा सा स्पून 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा जैतून तेल मतलब 1 टीस्पून, 5 टेबलस्पून दही। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। जो गोश्त के पीसेस है इसमें डाल रही हूँ। पानी को ऐसे साइड में रखी है मैंने, रख लिया है, सिर्फ पीसेस को डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। 2 हरी मिर्च जो स्लाइड्स करके डाल रही हूँ। अब यहाँ पे ब्रिस्टा हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको थोड़े थोड़े करके ऐसा करके डाल देना है इसमें। थोड़ा बचा के रखा है चावल में डालने के लिए। अब चलो अब इसको भी मिक्स कर लेंगे, पीसेस को पूरा लगा देंगे हल्के से। एक चम्मच तेल डाल रही हूँ, जो प्याज तले थे ना वो तेल है।
एक टेबलस्पून घी भी डाल रही हूँ, खुतमेरा और पुदीना भी डाल दिया है मैं इसमें। अब इसको साइड में रख देती हूँ एक 15 मिनट्स रख के, तब तक चावल बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं पानी डाल के रखी हूँ गर्म होने के लिए। पानी में जो बिरयानी मसाले रहते हैं, तेज़पत्ता, फूल की चकरी, इलायची, लौंग और ये फूल रहता है ना, तो पूरे पानी में डालती हूँ मैं। थोड़ा सा शाह ज़ीरा, 1 टेबल स्पून तेल, नमक ज़्यादा डालना चाहिए, खारा रहना चाहिए थोड़ा। पानी उबला रहा तो मैं चावल डाल दिया है। नमक खारा मतलब इतना खारा भी नहीं है, मीडियम नहीं रहना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए नमक, क्योंकि अगर बिरयानी थोड़ी भी फीकी हो तो अच्छा नहीं लगता, टेस्ट भी अलग हो जाती है। तो चावल को हम इसको 80% बन जाना चाहिए चावल, बाकी का 20% बिरयानी में दम हो जाएगा। यहाँ पे मैं कटोरे में थोड़ा सा दूध लिया है, तो इसमें मैं यहाँ पे केसरी डाल रही हूँ, थोड़ा पुदीना और कोथिंबीर भी डाल रही हूँ। ये देखिए चावल लंबे हो रहे हैं, तो इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा नींबू निचक रही हूँ। और वो नींबू का छिलका भी इसमें डाल दे रही। प्याज भी बहुत महंगी हो गई है, 100 रुपये का 3 किलो। टमाटर भी बहुत महंगा है। देखिए चावल 80% गल चुका है, तो मैं इसमें से पानी निकाल दूंगी, चावल और पानी को अलग कर दूंगी। देखिए नींबू को निकाल दीजिएगा, अगर इसमें जो भी मसाले हैं वो भी अगर आप निकाल देना चाहें तो निकाल दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि बिरयानी में खुशबू बहुत अच्छी आएगी इस मसालों से। जो मसाला हमने तो मैरिनेट करके रखे हैं वो अभी मैं इस गैस पे रख रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होना चाहिए मसाला, थोड़ा एक 15 मिनट्स इस मसाले को भी पकाना चाहिए। हाई फ्लेम पे रख रही हूँ मैं अभी थोड़ी देर, बस ऐसे ही इसको थोड़ा सेका लगने के लिए। इस मसाला में नमक बराबर है यानी एक बार चेक कर लीजिएगा आप। एक 15 मिनट्स इसको पकाना है। जो मटन गलाए थे ना, तो उसमें थोड़ा वो पानी था ना, तो इसमें थोड़ा पानी इसमें मिला रही मैं, थोड़ा पानी चावल में मिला दूंगी। देखिए थोड़ा मसाला पक चुका है, मैं इसमें आप इसको थोड़ा मसाला निकाल के साइड में थोड़ा कटोरे में ले रही हूँ। ये देखिए थोड़ा बचाया था मैं नीचे, अब इसमें मैं चावल डालूंगी, थोड़ी देर गैस बंद कर दूंगी। बिस्मिल्लाह थोड़ा करके चावल डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बिरयानी मसाला डालूंगी। जो यहाँ पे गोश्त का पानी बचा हुआ ना, इसमें थोड़ा कलर फूड डालूंगी मैं, थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। इस पानी को भी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इसमें थोड़ा सा तेल डालना है जो आनियन फ्राई करे थे वो, और थोड़ा सा घी, और जो मसाला निकाल के रखे थे वो, थोड़े से आनियन फ्राई, थोड़ा कोथमीर पुदीना। ऐसे ही पूरा करके डालना है, थोड़ा चावल, थोड़ा मसाला, थोड़ा बिरयानी मसाला, फूड कलर, ऐसा पूरा भरा देना है मसाले। देखिए जो लास्ट में दूध बचा हुआ था वो है, इसमें थोड़े काजू और किशमिश, थोड़ा सा घी और तेल। माशाल्लाह कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसको दम को छोड़ देंगे, एक काटन वाली कपड़ा लेके इसको ऊपर रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बिरयानी बन चुकी है हमारी।
देखिए मटन बिरयानी, देखिए गोश्त भी गल चुका है, देखिए मटन बिरयानी। कैसी लगी आपको बिरयानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।